अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी दुआ के हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तो आज 10 मुहर्रम का दिन है, तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आज इतना ख़ास तो व्लॉग नहीं बनाएंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे, तो कोई फनी शनी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज गम का दिन है। तो अभी हम कब्रिस्तान में जाएंगे, तो वहाँ का जो सीन है वो शेयर करेंगे आपके साथ, और भी जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर, अभी मैं कब्रिस्तान पहुंच चुका हूं। तो ये एक कब्र है, ये काफ़ी बैठ चुकी है। तो ये ना जिसकी कब्र है, इनके बेटे रहते हैं फैसलाबाद सिटी में, तो वो कल आए थे, उन्होंने कल देखा और उन्होंने ना ये काम मेरे ज़िम्मे लगा दिया। तो यहाँ पर ये ना मैंने मिट्टी काफ़ी नज़दीक कर ली है, हाथ वाली जो रेड़ी है ना उसके साथ। तो ये अभी इसको मैं पुर करूंगा, यानी कि इसको बांध दूंगा। तो यहाँ पे तकरीबन पौने ट्राली मिट्टी की लग चुकी है। यहाँ पे ना सभी लोग आ रहे हैं अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए और फूल पत्तियाँ डालने के लिए। तो यहाँ पे ना पाकिस्तान में शहर हो या गांव हो, हर 9 या 10 मुहर्रम को लोग आते जाते हैं यहाँ पर कब्रिस्तान पर, और जितने भी उनके प्यारे फौत हो चुके होते हैं उनकी कब्र पर फातिहा खानी करने के लिए और वहाँ पे फूल पत्तियाँ लगाने के लिए, और जिनकी कब्रें कच्ची होती हैं उसके ऊपर लिपा वगैरह देते हैं और पक्कियाँ बनाते हैं जिनकी कच्चियाँ हों। तो यहाँ पे ना आज भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे पक्कियाँ बनाई हैं, काफ़ी कब्रें जो है ना वो आज न्यू। तो यहाँ पर ना मेरे दादे की कब्र है, और दादे की और ताए की और चचा की, तो उनकी कब्र पर हम आज ना फातिहा खानी पढ़ने आए थे। और हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि यहाँ पे जितने भी मरहूम हैं अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए और जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर, अभी मैं घर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है जी हलवा, सूजी का हलवा, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो हलवा है ये हम बनाएंगे और जो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम बांटेंगे। तो यहाँ पे हमारा हलवा बन रहा है और साथ में हम बनाएंगे रोटियाँ, ठीक है। रोटियाँ के साथ हम हलवा और रोटी आज छोटे छोटे बच्चों को बांटेंगे। तो यहाँ पर चीनी वगैरह डाल दी और पानी, ठीक है, और अभी जो हमारा हलवा है वो रेडी हो रहा है। जी तो व्यूअर, ये है जी गरी सौगी, और ये ना बिल्कुल हमने बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। और अब हम इसको डालेंगे हलवे के अंदर, ठीक है ना। तो जो हलवा है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा बना हलवा। ये देखिएगा जी माशाल्लाह से। तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।